With our press conference for the Diwali meet. Before starting the presentation, I would like to show a small video of our respected Alan Pandey sir. प्रेस मीट हम लोगों ने बुलाई थी अपने एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताने के लिए। अभी तक के विद्यापीठ टोटल 105 सिटीज़ में है एंड नेक्स्ट ईयर हम लोग 77 सेंटर्स और ओपन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग 141 सिटीज़ में चले जाएंगे। हम अपने एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताना चाह रहे थे कि अभी हम कितने सिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं और कितने सिटीज़ में आगे हम 2026 में पहुँच जाएंगे। तो अभी इस साल हम लोग टोटल 105 सिटीज़ में हैं, जहां हमारे टोटल 126 सेंटर्स हैं विद्यापीठ और पाठशाला के मिला के। एंड आने वाले साल में हम लोग 141 शहरों में पहुंचेंगे 77 सेंटर्स और ओपन करके। इसके साथ ही हम लोग अपना रिज़ल्ट डिस्कस करना चाहते हैं। जो हमारा रिज़ल्ट है 2024 का, इसमें 22,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, 4,600 से ज़्यादा और 3,600 आईटीएस प्रोड्यूस किए हैं एंड 41,000 प्लस स्टूडेंट्स ने जेई मेन क्वालिफाई किया है। तो आज आम फिजिक्स वाला रो जो लॉन्च करूँ ऑल ओवर इंडिया रे 77 न्यू नुआ टेक एनेबल्ड विद्यापीठ ऑफलाइन सेंटर ऑल ओवर इंडिया रे लॉन्च होमर पाखापाखि गत वर्ष 2,00,000 स्टूडेंट नीट आउ आईआईटी जेई फाउंडेशन प्रोग्राम आम सहित एनरोल सहित पाठ पढ़ुते एवं आम लक्ष्य रखीचु 2,50,000 पाखापाखि पिला ट्रेन करेबू तांको सर्व करेबू। प्लस आमर गत वर्ष रिजल्ट जे देखिबा पाखापाखि 22,000 पिला आमर नीट परीक्षा रे उत्तीर्ण होई सेने विभिन्न गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे पाइछंती। आउ प्लस 3,600 पाखापाखि पिला आईआईटी आउ रे क्वालिफाई करछन जेई एडवांस एग्जाम रे। जेई मेन एग्जाम रे भी आमर 41,500 पाखापाखि पिला क्वालिफाइड करछंती। भुवनेश्वर सेंटर भी सेमती तार फर्स्ट इयर 50+ स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज भी देती है। 47 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप कॉलेजेस रे पिला क्वालिफाई करमर नुआ सेंटर आसूस भुवनेश्वर चंद्रशेखर एरियापुर एरिया पिला। तो भुवनेश्वर एवं आम गोटे सेंटर थी दुईटा सेंटर होगा जाऊ सीजन आउट ऑफ 765 डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स को एम्पावर किया है एंड लास्ट ईयर जो हमारा भी एकेडमिक सेशन गया है, इस सेशन में टोटल हम लोगों ने 22,000 प्लस डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, 3,600 प्लस आईटीएस प्रोड्यूस किए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स वाला के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी फिजिक्स वाला क्या स्टैंड कहाँ स्टैंड करता है और फिजिक्स वाला के क्या क्या वर्टिकल चलते हैं। तो अभी टोटल हमारे 128 यूट्यूब चैनल हैं। इन 128 YouTube चैनल्स में हम 5 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अलग अलग कोर्सेज पढ़ाते हैं, बच्चों के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। अभी हम टोटल 43 कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया करा रहे हैं। वाला का जो विद्यापीठ वर्टिकल है बेसिकली बच्चों को ऑफलाइन एजुकेशन देते हैं। तो अभी लास्ट ईयर हमारे पास मोर देन 2,00,000 स्टूडेंट्स विद्यापीठ में ऑफलाइन रजिस्टर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया। 5,00,000 स्टूडेंट्स हमारे पीडब्ल्यू स्किल कोर्स के अंदर हैं एंड इसके साथ साथ हमने एक जॉब रेडी प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि 4 ईयर का प्रोग्राम है जो बच्चे इसमें एनरोल हो। 800 स्कूल्स के हम हमने एम्पावर किया है विद करिकुलम्स एंड टेक्नोलॉजीज। प्रेजेंटली अभी हमारे 2 स्कूल चल रहे हैं, आगे फ्यूचर में और स्कूल। ऑफलाइन में हमें क्यों आना पड़ा, जैसे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुआ, फिर पीडब्ल्यू ऐप थी, ऐप के ऊपर बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड थे एंड बहुत सारे बच्चे को उससे बेनिफिट्स मिल रहे थे, तो ऑफलाइन में हमें क्यों आना पड़ा। जब ड्यूरिंग कोविड बच्चे पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चले गए थे, बच्चे भी उस एनवायरमेंट से एक तरह से बोर हो गए थे और बच्चों को ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए एंड जो ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ कहीं ना कहीं नहीं हो रही थी। बच्चों को भी नीड थी कि जो ऑनलाइन का उनका जो एक इजी मीडियम है, घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, उससे निकल के ऑफलाइन में आए, तो बच्चों की डिमांड की वजह से हम लोग ऑफलाइन में आए। अभी प्रेजेंटली विद्यापीठ के साथ हम बहुत सारे एजुकेशन हब्स स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी एजुकेशन हब्स स्टार्ट कर चुके हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अलग सर का मेन एम है कि बच्चों को एजुकेशन या तो फ्री मिलनी चाहिए या एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए बच्चों के लिए। इंडिया में किसी भी वर्ग का, किसी भी एरिया का बच्चा हो, एजुकेशन इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसके लिए हमने अलग अलग सिटीज में जाके अलग अलग रीजन्स में स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज में अपने सेंटर्स को खोला उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड कोचिंग्स हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड सिटीज में होते थे, वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पाते थे। एंड इसके साथ हम लोग बच्चों को टेक इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं।